एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ साइट विजिट। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनम, एंड मैं आई हूं आज PR7 रोड सेक्टर 123 सानिया एन्क्लेव, एंड यहां पर हम लेकर आए हैं ड्यूप्लेक्स विला ऑफ 123 गज। सो लेट्स चेक आउट। सो हम आ गए हमारे एक्चुअल ड्यूप्लेक्स विला के बाहर, एंड आप देख सकते हैं कि इसकी एलिवेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे पूरे वुडन टाइल्स का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो पूरी ग्रिलिंग हुई है, ये आयरन की ग्रिलिंग है, एंड ये कॉर्नर तक जाती है, एंड यहाँ पर ये जो हमारा गेट है, ये भी आयरन का ही है। नाउ लेट्स चेक आउट इनसाइड। तो गेट से एंटर होते ही आपकी पार्किंग एरिया आ जाता है। यहाँ पर आप अपनी फोर व्हीलर्स पार्क कर सकते हैं, एंड ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, इसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे सिलेंडर रख सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्टर रख सकते हैं, या जैसे भी अपने हिसाब से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारी टू व्हीलर्स की पार्किंग आ जाएगी। साथ ही आप देखेंगे कि नीचे वाटर टैंक्स है, एंड आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे विंडो आपको दिख रही है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से वुडन वर्क से डिज़ाइन की गई है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट टाइल वर्क है। एंड आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगी ये बालकनी कॉर्नर विला है, इसके वजह से आपको एक एक्स्ट्रा बालकनी एक्सेस मिल जाता है, जहाँ पर आप गार्डनिंग कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, या कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए अब आगे चेकआउट करते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे, तो यहाँ पे आप देखिए ये वॉल बहुत ही एलिगेंट तरीके से डिज़ाइन की गई है, काफ़ी डिफरेंट है, एंड वुडन वर्क भी है विद दिस क्यूट लिटिल लाइट्स। एंड आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड रहेगा एक्सेस ऊपर जाने का, वो हम बाद में चेकआउट करेंगे, पहले अंदर जाके देखते हैं। बट उससे पहले जस्ट हैव अ लुक एट दिस डोर, बहुत ही सुंदर वुडन डोर है, एंड ये मिरर वर्क ने इस पर चार चांद लगा दिए। नाउ लेट्स चेकआउट फर्दर, कम ऑन। तो हम एंटर करते ही देखते हैं कि हमें डबल डोर प्रोवाइडेड है, एक नेट डोर है एंड एक मेन डोर है। उसके अलावा जब हम यहाँ आते हैं तो हम एंटर होते हैं हमारे ड्राइंग रूम में, एंड आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेशियस है। एंड जस्ट लुक एट द डिज़ाइनिंग, जस्ट लुक एट दिस मिरर, से बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही एलिगेंट एंड यूनिक है। ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत ही कम घरों में देखे जाते हैं। आपको एज इट इज़ ये POP की डिज़ाइनिंग मिलेगी, आप यहाँ पे अपने फ्रेम्स लगा सकते हैं, इसे वॉल ऑफ मेमोरीज, वॉल ऑफ अचीवमेंट कुछ भी बना सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको फ्लोरिंग भी एज इट इज़ मिलने वाली है, इट्स ए कम्प्लीट विट्रीफाइड फ्लोरिंग। अगर मैं सीलिंग की बात करूँ, आप देखोगे तो पूरी फॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ मिलेगी विद लाइटिंग्स एंड टीक वुड वर्क है, एंड वॉल्स में भी पूरा वुडन वर्क है, आप देख सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी मॉडर्न डिज़ाइन, जो कि बहुत कम घरों में देखा जाता है। एंड यहाँ पे ये क्रॉकरी पैनल आप देख सकते हैं, इट्स अ बोनस टू दिस हाउस, ये आपको एज इट इज़ मिलेगा, एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, कैन कीप ऑल योर क्रॉकरीज हियर। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आ जाता है आपका कॉर्नर विला होने की वजह से बालकनी का एक्सेस। तो अब हम एंटर करेंगे यार हार्ट ऑफ द होम किचन, बट उससे पहले हैव अ लुक एट दिस पार्टीशन, इजंट इट ब्यूटीफुल, एंड बहुत ही एलिगेंट तरीके से इसका वुडन वर्क किया गया है। एंड जस्ट लुक एट दिस लैम्प्स, ये तो वाकई यहाँ पे चार चांद लगा रहे हैं, आई एम श्योर। एंड अब एंटर करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको डुअल स्लैब्स मिलेंगी, सो आई थिंक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है विद दिस डुअल सिंक एंड रोटेटिंग फॉसेट। साथ ही साथ आपको मिलेगा गीजर का प्रोविजन एंड RO का प्रोविजन, and just see this is a complete granite slab and this is very spacious. So now let's check out our first bedroom. Wow, so this is our first bedroom and it is ह्यूज, लाइक बड़ा वाला ह्यूज, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। आई एम श्योर यहाँ पे आप किंग साइज बेड लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं अलमीरा बहुत डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन की गई है, यहाँ पे आप अपने शूज़ रख सकते हैं। आई थिंक जो शूज़ लवर्स होंगे वो सारे वार्डरोब से कवर कर देंगे। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि वार्डरोब भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन की गई है, एंड दिस वुडन वर्क ये एलिगेंस को ऐड करता है। एंड यहाँ आप इस एरिया को अपना ड्रेसिंग एरिया बना सकते हैं, मिरर बहुत सुंदर दिया गया है, यू जस्ट नीड टू कीप अ स्टूल हियर एंड अपनी छोटी छोटी बिलोंगिंग्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड चेक आउट आर रॉयल अनसूट वॉशरूम, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वॉशरूम है ये, आई एम ऑलमोस्ट इन लव विद दिस, मतलब यहाँ आने के बाद बाहर जाने का मन ही ना करे, सो कूल एंड इट्स सो क्लासी। आप देख सकते हैं ये जो राउंड ओवल मिरर है, ये बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है, एंड दिस इज लाइक एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर
एक्स्ट्रा गुड थिंग्स हियर आई एम श्योर. एंड बहुत ही सुंदर लग रहा है, सारे ब्रांडेड फिक्स्चर्स हैं यहाँ पे एंड एंटीस्केट टाइल्स हैं एंड ऑलमोस्ट फुल लेंथ टाइल्स मिल रहा है आपको यहाँ पे. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड हम दोबारा बेडरूम की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विंडो प्रोवाइडेड है फॉर वेंटिलेशन. तो नेचुरल लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा है, हर तरफ से नेचुरल लाइट आ रही है. तो दोपहर में आई डोंट थिंक आपको लाइट्स की जरूरत पड़ने वाली है. एंड हियर दिस इज़ योर LED पैनल, ये आपको एज इट इज़ मिलेगा वुडन वर्क विद दिस छोटे छोटे शेल्स एंड आई थिंक दिस इज़ अ प्लस पॉइंट. एंड अगर मैं ऊपर फॉल सीलिंग की बात करूँ, यू आर गोइंग टू गेट इट विद वुडन वर्क एंड विद एम्बिएंट लाइटिंग्स. आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड वन ऑन वन. सो नाउ लेट्स मूव फर्दर, कम ऑन. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर सेकेंड बेडरूम, लेट्स चेक आउट. यहाँ पे हर रूम की खासियत ये है कि हर डोर वुडन डोर है, बहुत ही एलिगेंट वर्क है यहाँ पे. एंड आप देख सकते हैं ये रूम भी उतना ही ज़्यादा स्पेशियस है. एंड यहाँ पे अगेन आप इससे अपना ड्रेसिंग एरिया बना सकते हैं. एंड आप मेरे राइट हैंड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये LED पैनल दिखाई दे रहा है, ये भी आपको एज इट इज़ मिलने वाला है, वे यू कैन पुट ऑन अ TV एंड एंजॉय पॉपकॉर्न विद योर फैमिली. एंड आगे मूव ऑन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे अनसुट वॉशरूम अगेन. एंड Not to say, but it is again very classy and बहुत ही elegant है. ये देख सकता है कि डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा रॉयल एंड डिफरेंट है. आई लव विद स्टाइल वर्क. एंड ये मिरर भी बहुत ही सॉफ्ट एंड स्वीट सा लग रहा है, बहुत ही एलिगेंस है. यहाँ पे जितने भी हैं सब ब्रांडेड फिक्चर्स आपको मिल रहे हैं. एंड अगेन ऑलमोस्ट फुल लेंथ वॉल टाइल्स है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. सो आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वॉल पे वुडन वर्क आपको एज इट इज़ मिल रहा है, सीलिंग पे आपको एज इट इज़ वुडन वर्क मिल रहा है विद एम्बिएंट लाइटिंग. साथ ही साथ आपकी ये वार्डरोब्स है एंड आई थिंक इट्स वेरी स्पेशियस एज यू कैन सी. एंड बहुत डिफरेंट तरीके से इन्होंने शेल्फ डिवाइड किए हैं. आई थिंक यहाँ पे अपने क्लोज रख सकते हैं, शूज़ रख सकते हैं, छोटे छोटे क्लोज रख सकते हैं. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ यू नो ऑर्गेनाइजिंग योर थिंग्स. एंड बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है. एंड यस, यहाँ से एक्सेस रहेगा आपके वॉशिंग एरिया. कम लेट्स चेक आउट. सो दिस इज़ गोना बी योर वॉशिंग एरिया. एंड यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं एंड यू कैन ऑर्गेनाइज इट वेरी वेल. नाउ लेट्स मूव फर्दर. सो ये था हमारा ड्यूप्लेक्स विला का ग्राउंड फ्लोर. अब चेकआउट करते हैं हमारा फर्स्ट फ्लोर, कम ऑन. सो अगर हम स्टेयरकेस की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर जो फेंसिंग हुई है ये सारी SS ग्रिल से फेंसिंग हुई है. कम, अब आगे चेक करते हैं. सो अब हम आ गए हमारे ड्यूप्लेक्स विला के फर्स्ट फ्लोर पर. एंड आप देख सकते हैं आते ही यहाँ पे मैं देख रही हूँ बालकनी है एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. आई कैन रियली मूव अराउंड. एंड यहाँ पे जो ग्रिलिंग हुई है ये टफन ग्लास से हुई है. एंड आई एम अ समर बेबी एंड आई एम इन्जॉइंग द ब्रीज. हवा बहुत अच्छी चलती है यहाँ पे. एंड यहाँ से आ जाता है हम एंटर करते ही तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आ गया आपका वुडन वर्क विद दिस एलिगेंट वॉल. आई एम ऑलमोस्ट इन लव विद दिस, इट इज़ ब्यूटिफुल. एंड जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है आपका वॉशिंग एरिया. यू कैन वेरी वेल यूटिलाइज इट, आप अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ रख सकते हैं. यू ऑल्सो हैव द पावर एक्सेस. एंड साथ ही साथ यहाँ पर है आपका टेरेस का एक्सेस, हम बाद में जाके चेकआउट करेंगे. बट उससे पहले लेट्स चेकआउट आ फर्स्ट डोर. एंट्रेंस पे ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको डबल डोर मिलेगा. फर्स्ट इज नेट डोर एंड द सेकेंड इज द मेन डोर. लेट्स चेकआउट, कम ऑन. तो एंटर करते ही हम आ जाते हैं हमारे लिविंग स्पेस में. यहाँ पे आपका लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस आ चुके हैं. साथ ही साथ और वेरी डिफरेंट ओपन किचन कॉन्सेप्ट. सो किचन एंड डाइनिंग बिल्कुल साथ साथ होने वाला है. एंड यहाँ पर भी आपको मिल रहा है डुअल सिंक विद रोटेटिंग फॉसेट. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज ऑल्सो वेरी स्पेशियस. एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा चिमनी का प्रोविजन. एंड दिस इज़ अगेन द सेम POP. इसको भी आप अगेन हॉल ऑफ मेमोरीज बना सकते हैं, अपनी फ्रेम्स लगा सकते हैं, फैमिली फोटोज़ लगा सकते हैं. यूटिलाइज इट वेरी वेल. एंड लेट्स मूव फर्दर. आप देखेंगे कि यहाँ पर आ जाती है आपकी बालकनी एक्सेस एंड विंडो. लेट्स चेक आउट. तो बालकनी के बाद हम चेकआउट करते हैं हमारा फॉल सीलिंग. तो आप देख सकते हैं आपको फॉल सीलिंग विद टीक वुडन वर्क एंड एम्बिएंट लाइटिंग्स मिलने वाला है एज इट इज. नाउ इज़न्ट इट अमेजिंग. सो लेट्स चेक आउट फर्दर आवर थर्ड बेडरूम, कम ऑन. सो दिस इज आवर थर्ड बेडरूम एंड ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे आपको नीचे वाले बेडरूम दिखाया गया था विद अगेन दिस वेरी यूनिकली डिजाइंड वार्डरोब विच इज़ वेरी स्पेशियस. एंड अगर आप शू लवर है तो डेफिनेटली आप ये सारे रैक्स कवर कर लेंगे आई एम श्योर. एंड यहाँ पर आप अपना बेड लगा सकते हैं. एंड यहाँ पर आपको मिलेगा आपका
ड्रेसिंग एरिया आपको जस्ट एक स्टूल लगाने के दे रही है एंड छोटे छोटे बिलोंगिंग्स यहाँ पे रखे एंड एंजॉय। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल रहा है अटैच्ड ऑन सूट वॉशरूम। सो दिस इज योर ऑन सूट वॉशरूम एंड वाओ, मतलब आई मस्ट से यहाँ के वॉशरूम्स वाकई मेरा दिल ले गए। जस्ट लुक एट द स्टाइल्स, इट्स ब्यूटीफुल, कितना ही डिफरेंट डिजाइन है। मतलब देर इज समथिंग अबाउट दिस वॉशरूम हियर आई मस्ट से। एंड यहाँ पर अगेन वही ओवल डिजाइनिंग वाली जो मिरर है एंड दिस ऑल इन ऑल इज अ प्लस पॉइंट फॉर दिस वॉशरूम। बहुत ही रॉयल लुक देता है आपकी वॉशरूम को ये। एंड यहाँ पे अगेन सारे ब्रांडेड पिक्चर्स है एंड ऑलमोस्ट 7 feet ही आपको वॉल टाइल्स मिलती है। लेट्स मूव फर्दर। एंड यहाँ पे अगेन आपको ये विंडो प्रोवाइड की जा रही फॉर वेंटिलेशन, ताकि आपके रूम में नेचुरल लाइटिंग ही बहुत ज़्यादा रहे। एंड आगे मूव करते हैं तो वी अगेन हैव दिस LED पैनल। TV लगाइए एंड फैमिली के साथ पॉपकॉर्न्स एंजॉय कीजिए। सो कम लेट्स मूव फर्दर। एंड इससे पहले जस्ट हैव अ लुक एट दिस फॉल सीलिंग, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी प्यारी एडमिट लाइटिंग है। एंड साथ ही द प्लस पॉइंट इज द वुडन वर्क। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर फोर्थ बेडरूम। कम, सो दिस इज आवर फोर्थ बेडरूम एंड इट्स ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पे भी अगेन जैसे कि हमने सेकेंड बेडरूम देखा था ऑलमोस्ट वैसा ही है विद दिस ह्यूज वार्डरोब। एंड अगेन बहुत ही अमेजिंगली ऑर्गेनाइज्ड, आप बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अपना सामान रख सकते हो। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर वार्डरोब्स जो आपको बाकी जगहों पे मिलते हैं, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब है ये। एंड अगेन दिस वुडन वर्क, क्योंकि चार चार लगा रहे हैं इस रूम को। साथ ही साथ आपको मिल रहा है यहाँ पे ऑनसेट वॉशरूम। जस्ट हैव अ लुक, दिस इज अगेन वेरी सिंपल एंड स्वीट। आप बहुत ही डिसेंट वॉशरूम है मैं कहूँगी, यहाँ पे टाइल्स बहुत डिसेंट है, वाइट टाइल्स जो बेसिक वाइट, एक बहुत सॉफ्ट नेचर वालों के लिए आई एम श्योर दिस इज अमेजिंग। एंड अगेन अ वेरी डिसेंट वॉल। हमारा ड्रेसिंग एरिया, अगेन आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको ऑलरेडी मिरर मिल रहा है। एंड यहाँ पर आपको मिल रहा है LED पैनल, अगेन जस्ट अ गुड प्लेस टू कीप योर बेड हियर, TV हियर एंड एंजॉय। एंड आई थिंक दिस इज अ प्लस पॉइंट, यहाँ पर आपको 3 shelves मिल रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा बिलोंगिंग्स रख सकते हैं, जैसे कि आपका जो सेटअप बॉक्स वगैरह होता है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग, आपको अलग से कुछ बनवाने की ज़रूरत नहीं है। एंड साथ ही साथ वहाँ पे आपको मिलेगा वेंटिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइटिंग, आप देख सकते हैं ऑलरेडी मिल रही है। एंड देयर इज अ बालकनी एक्सेस देयर। सो गाइस, दिस वॉज आर 4 BHK ड्यूप्लेक्स विला लोकेटेड इन सेक्टर 123 सनी एनक्लेव नियर PR7 रोड, 200 feet वाइड रोड है जो कि। एंड आप कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए, अगर आपको पसंद आया है ये तो कॉमेंट में बताइए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो। अगर आप साइट की विजिट पे इंटरेस्टेड है देन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लाइफ साइकिल। थैंक यू।